गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड ट्रैवल बो स्प्रिट। तो अब हम आ चुके हैं कश्मीर की सबसे विजिटिंग प्लेसेस में और सबसे खूबसूरत जगह पे, जो कि है परी महल। और अब हम आपको दिखाते हैं परी महल। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे साथ घूमो परी महल। ये है परी महल का मेन गेट और ये है इसकी पार्किंग, ये है टिकट काउंटर जहाँ से 24 रुपये का आपको टिकट मिलेगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। परी महल जो कि चश्मे शाही, जब आप आएंगे तो वहाँ से ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है पहाड़ पे, परियों का प्यारा सा महल। और इसकी खूबसूरती आप देख ही सकते हैं अभी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हुई है, वरना अगर स्नोफॉल हो जाती तो बात ही कुछ अलग हो जाती। बाकी हमको थोड़े बहुत यहाँ पर भी फ्लावर्स दिख ही रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पे ये ड्रेसिंग वाले मिल जाएंगे, अगर आपको भी यहाँ पे कश्मीरी कली बनना है तो ये आपको यहाँ पर भी कश्मीर की कली बना के ही छोड़ेंगे। खैर, ये सेम ही प्राइस है जैसा हमने आपको बताया था, 150, 250, 200, ऐसे ही प्राइस होते हैं यहाँ पे फ़ोटोशूट या वीडियोग्राफी करने के। बाकी हम आपको दिखाते हैं और अंदर से परी महल के नज़ारे। तो ये खूबसूरत सा परियों का महल जो है वो 7 टेरिस गार्डन है, लाइक मतलब इसको स्टेप वाइज बनाया गया है। हम इस टाइम जो है वो 3rd टेरिस पे हैं और लास्ट 3rd टेरिस पे हैं। अब हम 2nd पे जा रहे हैं जिसका रास्ता यहाँ साइड से जाता है, सीढ़ी ऊपर जाती है और वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। खैर, यहाँ से भी आप देख सकते थे मगर क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, वरना आपको डल लेक और तुलुप गार्डन ज़रूर दिखता। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आपको 2nd पे लेके चलते हैं। तो यहाँ से ये इसकी सीढ़ी जा रही है, यहाँ से आप लास्ट 2nd पे पहुँच सकते हैं। उसके बाद एक और सबसे ऊपर वाला आता है, वहाँ पर भी हम चलेंगे। उसके बाद फिर हम आपको नीचे पर भी लेकर चलेंगे, वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा, सच में इसका जो नाम है ना परी महल, बहुत ही प्यारा नाम भी है, उसी हिसाब से ये महल भी वैसे ही है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इसके लास्ट 2nd टेरिस पे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर का रास्ता जा रहा है जहां से आप 1st पे पहुंच जाएंगे। और पहले हम आपको इधर का सीन दिखा दें, कितना खूबसूरत यहां से लग रहा है यार। काश स्नोफॉल हो जाती यार, काश, लेकिन नहीं हुई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कश्मीर में लेट स्नोफॉल होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल माउंटेन तक नहीं दिख रहे हैं यार, बल्कि अगर आप समर में आते हो ना तो आपको एकदम क्लियर मौसम जब होगा तो यहाँ से आपको माउंटेन भी दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन इस टाइम इतनी ज़्यादा धुंध है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो मेन गेट से ही हम एंट्री हमने यहाँ पर करी थी, उसके नीचे भी है और इसके ये ऊपर भी है। तो चलो अब दिखाते हैं, यहाँ से पूरा परी महल दिख रहा है। तो ये बड़ा, उसके आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। यार ये कितनी खूबसूरती और कैसे बनाया गया है, मतलब स्टेप वाइज ये बना हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे 7 टेरिस है और ये जो खूबसूरत सा परियों का महल है ना, ये 22 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको जो स्टेप वाइज बनवाया गया है तो कितनी खूबसूरती से बनवाया गया है। और यहाँ पे आपको कोई भी नेचुरल वाटरफॉल नहीं मिलेगा, यहाँ पे हर लेवल पे मुगल आर्किटेक्चर ने वाटर टैंक बनवाए थे जो कि अब सूख चुके हैं, जिसकी वजह से सारी परियाँ प्यासी रह गई। ओहो, अब समझ में आया। देखो जो यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है ना, तो देखो सारे टैंक तो सूख गए, अब पर यहाँ पानी कहाँ से पिए, तो इसीलिए अब वो लोगों के खून पीती हैं, इसीलिए ये बात यहाँ पे है। चलो अब तुम्हें ऊपर से दिखाते हैं कि परियाँ कैसे और कहाँ पे खून पीती हैं। तो चलो अब लेके चलते हैं तुमको इसके टॉप टेरिस पे, हो सकता है एक-एक दो परियाँ भी मिल जाए, पूछ भी लेंगे भैया धंधा वंधा कैसा चल रहा है, खून पी रही हो कि नहीं आजकल। और यहाँ से हम दिखाते हैं तुम्हें इसकी खूबसूरती को, मिलाएंगे वैसे तो हम ही खुद ही एक परी हैं। खैर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को कि यहाँ से जब आपको ये पूरा इसका टेरिस दिखता है ना, तो ये कितना खूबसूरत लगता है सच में। और ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है यार, आहा मज़ा ही आ गया देख के। वैसे तो खुद ही इस टाइम यहाँ पे इतनी ज़्यादा पापा की परियाँ आई हुई हैं, तो परियों का क्या काम।
खैर चलिए आपको अंदर से लेके चलते हैं और हम आपको यहाँ से दिखाते हैं इसका 7 टेरेस और इस टाइम जो हम टॉप पर हैं और यहाँ से आप देखेंगे बहुत ही प्यारा नज़ारा प्यारा है, बस थोड़ी बर्फ़ की कमी है। ये देखो गाइस ये क्या मिल गया हमको, फाइनली ये चीज़ हमको मिल गई है जिसकी तलाश में हम इतनी दूर आए थे बनारस से कश्मीर। ये है खजाने तक जाने का रास्ता और यहाँ से आपको मिल जाएगा परियों के सारे खजाने। ओहो क्या पेड़ है यार, सच में कैसा है ये, देखो यही है, यहीं से आप जा सकते हैं अंदर, यहीं से निकाल सकते हैं परियों के सारे खजाने जो उन लोगों ने छुपा कर रखे हैं। तो अब हमने आपको ऊपर का पार्ट का दीदार करा दिया, आई मीन परी महल के ऊपर के हिस्से को दिखा दिया। अब हम चलेंगे नीचे की तरफ और अब हम नीचे के फ्लोर पे जा रहे हैं, वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यार ये देखो कितने खूबसूरत हैं, सच में यार ये पेड़ इतने खूबसूरत क्यों है मेरे समझ में नहीं आता यार, ये बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ है यहाँ के, इस पर ही तो हम मर मिटे हैं। तो खैर चलो अब हम नीचे चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं परी महल के नीचे के साइड का हिस्सा जो थोड़ा धीरे धीरे अब डरावना होता जा रहा है। और ये अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ और फिर उसके बाद नीचे जाके हम आपको दिखाएंगे वहाँ से परी महल के प्यारे प्यारे नज़ारे। तो चलो नीचे चलते हैं। ये क्या है यार, ये कैसे गुफा टाइप का लग रहा है एकदम। और यहाँ से भी अब हमें नीचे उतरना पड़ेगा, मतलब यहाँ से अगर हम सामने सीधे चले जाते तो अलग जगह चले जाते और यहाँ से अब हम नीचे उतर के जाएंगे तो अब हम इसके नीचे के फ्लोर पर उतरेंगे। ओह ये देखो एकदम वैसे सीढ़ी नुमा बना हुआ है ये परी महल। परी लोगों को उड़ने में दिक्कत नहीं होती होगी, ऐसे यूं यूं उड़ती होंगी फिर उड़ के आ जाती होंगी। ये देखो ऐसे जैसे लाइक सीढ़ी ना, वैसे पहाड़ पे ही बना हुआ है पूरा। ये देखो कैसा बना है, और इसके नीचे भी है ये भी है, फिर इसके ऊपर ये वाला है, फिर इसके ऊपर वो वाला है। ठीक है सुरेश, पता है यहाँ पे जो भी चीज़ बोलते हैं वो गूंजती है, ऊपर से जो बोलता है वो नीचे तक उसकी आवाज़ आती है ऐसे करके। ये वैसे ही थोड़ा सीढ़ी नुमा है, मतलब पहले एकदम फ्लोर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। तो भाई यहाँ की खूबसूरती सच में बहुत ही ज़्यादा अलग है और ये कोई परी नहीं बनवाया था अपने लिए, बल्कि इसको बनवाया था शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह ने, जो आपको पता ही है कि अगर मुगल कोई चीज़ बनवा दे वो खूबसूरत ना हो ये हो नहीं सकता। तो मेन चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पे आने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो जो शालीमार और निशात है वो आपको एक तरफ पड़ेगा और उसके अपोजिट साइड जो पड़ता है वो चश्मेशाही, तुलुप गार्डन और परी महल पड़ता है। तो अगर आप निशात और शालीमार जाते हैं तो वो आप एक साथ घूम लेंगे, उसके बाद वहाँ से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको ये परी महल पड़ जाएगा। मतलब जब आप चश्मेशाही घूमेंगे तो वहीं से 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो फिर आपको परी महल मिल जाएगा। और रास्ते में आपको बोटैनिकल गार्डन पड़ेगा, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो वहाँ से आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, फिर आप परी महल जा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, इसमें हमने आपको दिखाया परी महल जो कि श्रीनगर की सबसे विजिटिंग प्लेस और खूबसूरत प्लेसेस में से एक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप परी महल घूमने कब आ रहे हो। तो चलो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।